अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू फूड प्लस। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश होंगे। आज है सैटरडे और इस वक्त जो है 10:30 हुए और गाड़ी में बैठी हूँ मैं। बाहर जा रहे हैं हम लोग मुल्तान। बस आज मौसम बहुत अच्छा है, बारिश हो रही है, बहुत अच्छी बारिश हो रही है, हल्की हल्की हो रही है लेकिन बहुत अच्छा मौसम है, ठंडा है, हवा चल रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। तो मेरे साथ रहिएगा, देखते रहिएगा, देखते हैं कब तक कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, जिस वक्त जो है हम वापस जा रहे हैं और आज हम ज़्यादा टाइम के लिए नहीं रुके। जस्ट जो है हमने ये रास्ते से ही खाना खाया है, बच्चों के लिए फास्ट फूड पैक करवाया है और हम दोनों फिश खा रहे हैं। और मुझे ये फिश बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी, मुझे इसका टेस्ट अच्छा नहीं लगा, मैंने तो नहीं खाई। बस अब घर पहुँचते हैं। ये तो फ्रेंड्स अभी मैं आ गई हूँ घर पर और मैंने तो आज लंच नहीं किया, मुझे फिश अच्छी नहीं लगी, तो अभी तो यह चाय पीऊँगी और चाय पीने के साथ मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। बहुत सारे दोस्तों के कमेंट्स आ रहे थे कि मैं अपनी किचन की जो है क्लीनिंग टिप्स आप लोगों के साथ शेयर करूं कि मैं उसको कैसे करके क्लीन करके रखती हूं। तो मैंने सोचा कि मैं इसके लिए जो है एक वीडियो बना देती हूं आप लोगों के लिए। तो आज की वीडियो में जो है मैं आप लोगों के साथ जो कुछ ऐसी टिप्स शेयर करूंगी, कोई ऐसे काम शेयर करूंगी जो कि मैं रूटीन के साथ जो है अपने किचन में करती हूँ, जिसकी वजह से किचन जो है नीट एंड क्लीन रहता है और मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो चलिए शुरू करते हैं। ये तो फ्रेंड्स टिप नंबर वन है कि जैसे ही आप कुकिंग से फ्री हो जाएं तो सबसे पहले जो है अपने काउंटर टॉप को साफ कर लें। ये काम आप हर रोज करें। इस तरह करने से जो आपका काउंटर टॉप है वो नॉन ग्रीसी रहेगा और शाइन करेगा। इसके लिए बेहतर है कि आप कोई भी अच्छा सा क्लीनर यूज करें, क्योंकि क्लीनर यूज करने से टॉप काउंटर टॉप पे बहुत अच्छी जो है शाइन आ जाती है और उस पर ग्रीस नहीं रहती, बहुत अच्छे से शाइन करता है। और इसके क्लीनर जो है अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते तो कोई सा भी जो है DIY क्लीनर यूज़ करें, बना लें घर में। मैंने अपनी लास्ट वीडियो में बताया था, मैं उसका लिंक लगा दूंगी, आप देख सकते हैं, जो कि मैं अक्सर यूज़ भी करती हूँ, वो भी बहुत अच्छा सा काम करता है। और हमेशा जो है काउंटर टॉप पर रखी हुई जो चीज़ें होती हैं, जो भी आपका सामान रखा हुआ होता है उसको उठा के नीचे से साफ करें। इस तरह से जो है कीड़ों को छुपने की जगह नहीं मिलती और वो एवरी टाइम जो है नीट एंड क्लीन लगते हैं। और सामान को जो है वापस क्लीन करने के बाद अपनी जगह पर सेट करके रखें, क्योंकि काउंटर टॉप एक ऐसी जगह होती है जहाँ पर आपकी आते जाते हर वक्त नज़र पड़ती है, तो वो अगर सेट हो तो देखने में बहुत अच्छा लगता है, फ्रेश फील होता है। सेकेंड टिप है कि हर रात सोने से पहले जो बर्तनों को अच्छे से वॉश कर लें, और अगर आप कभी जल्दी में हो और वॉश ना कर सके तो भी उनमें खाना मत छोड़ें, उनका खाना साफ़ कर लें। खाना साफ़ करने के बाद उनको हल्के से पानी से साफ़ करें और एक साइड पर इकट्ठे कर दें, क्योंकि खाना रखा रह जाने की वजह से जो है वो कीड़े पैदा होते हैं। टिप नंबर थ्री है कि क्लीनिंग के जितने भी टूल्स हैं उनको सोने से पहले अच्छे से वॉश करें और उनको ड्राई कर लें, क्योंकि इनमें पानी रह जाने की वजह से जो बैक्टीरिया है वो जल्दी ब्रीड करता है।
टिप नंबर 4 है कि बर्तन साफ़ कर लेने के बाद सिंक एरिया को अच्छे से ड्राई करें और इसमें पानी मत खड़ा रहने दें। इससे जो है एक तो सिंक जंग फ्री हो जाता है और दूसरा शाइन करता है और कीड़े भी नहीं आते। टिप नंबर 5 है कि एवरी टाइम कुकिंग के बाद जो है स्टोव को किसी भी गीले कपड़े के साथ अच्छे से साफ़ कर लें। जो भी कोई खाना वगैरह गिरा हो उसको फ़ौरन साफ़ कर लेने से आप लंबी मेहनत से बच जाते हैं और इसको वीक में एक दफ़ा डीप क्लीन कर लें। टिप नंबर 6 है कि सोने से पहले हॉट पॉट को खाली कर दें और उसको खोल कर रखें, क्योंकि बंद पड़ा रहने की वजह से इसमें बैक्टीरिया ग्रो करता है और जो रुमाल होते हैं उनको हमेशा वॉश कर लें। टिप नंबर 7 है कि हर रोज़ डस्टबिन को खाली करें, वॉश करें, धूप लगवाएं और फिर उसको लाइनर लगा के रख दें। सोने से पहले ये आप जो है लाइनर इसको निकाल के नया लाइनर लगा सकते हैं। नेक्स्ट टिप है कि जब भी कोई स्पाइस जार खाली हो तो उसको उसी वक्त वॉश कर लें, वॉश करके उसको ड्राई करें और उसको फिर फिल करें। मसालों को हमेशा जार में फिल करने से पहले ड्राई रोस्ट कर लें या फिर धूप लगवा लें। इस तरह करने से मसाले जो हैं ज़्यादा देर तक चलेंगे, उनकी खुशबू बरकरार रहेगी और उनमें कीड़ा नहीं लगेगा। टिप नंबर 10 है कि ऑयल की बोतल को रिफिल करने से पहले वॉश करें और धूप लगवाएं एंड देन उसको रिफिल करें। एंड नेक्स्ट टिप है कि कभी भी गीले बर्तनों को अलमारियों में मत रखें। गीले बर्तन अलमारियों में रखने की वजह से कॉकरोचेस होते हैं, तो बर्तनों को अलमारियों में रखने से पहले हमेशा ड्राई कर लें और फिर उनको जो है अलमारियों में रखें। इस तरह से आपकी अलमारियों में बैड स्मेल नहीं आएगी और कीड़े नहीं आएंगे। और आखिर में जब आप क्लीनिंग का सारा काम ख़त्म कर चुके हों तो एक बाउल में ठंडा पानी लें और उसमें कुछ पत्तियां पुदीने की डालकर रख दें। इस तरह करने से आपके किचन में जो है कभी भी मक्खियां नहीं आएंगी और एक अच्छी फ्रेश सी खुशबू होगी किचन में। जी तो फ्रेंड्स, अभी जो है रात का टाइम हो चुका है और अभी जो है मैं नूडल्स सूप बना रही हूँ बच्चों के लिए। हमने सोचा कि ठंड जाने से पहले जो है सूप इंजॉय कर लिया जाए। वैसे भी ठंड जो है थोड़ी सी बढ़ गई है, अच्छा मौसम हो गया है। तो ये जो मैंने आप लोगों के साथ टिप्स शेयर की हैं, उम्मीद करती हूँ कि आप लोगों को अच्छी लगी होंगी। ये वो सारे काम हैं जो मैं रूटीन से करती हूँ, और अगर आप इन छोटे छोटे कामों को अपनी आदत बना लेते हैं तो आपका किचन जो है फॉर एवर क्लीन ही रहता है और कीड़ों वगैरह की प्रॉब्लम से भी आपकी जान छूट जाती है। तो बस यही थी मेरी टिप्स, और अगर आप लोगों को अच्छी लगी हैं तो मुझे कमेंट बॉक्स में आपने ज़रूर बताना है। और अगर आप चाहते हैं कि मैं इस तरह की और वीडियोस शेयर करूं तो भी कमेंट बॉक्स में आप लोगों ने बताना है। ठीक है, तो बस चलते हैं, सूप इंजॉय करते हैं। बस सूप मेरा रेडी हो चुका है और सूप की रेसिपी जो है मेरे चैनल पर मौजूद है, मैं लिंक लगा दूंगी अगर आप लोग देखना चाहेंगे। तो बस आज का वीडियो यही था, इसको यही ख़त्म करते हैं। आप लोगों से मुलाकात होगी नेक्स्ट किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।